हरियाणा मंडी में कुछ फसलों की खरीद बेच कर आढ़तियों को कमीशन नहीं मिलने को लेकर हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन ने पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से 5 दिन के लिए 2 घंटे सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके तहत जुलाना अनाज मंडी के आढ़तियों ने मार्केट कमेटी के बाहर आज 2 घंटे धरना प्रदर्शन किया। आढ़तियों ने इस दौरान सरकार के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया। आढ़तियों ने सरकार से जल्द आढ़तियों की मांगें पूरी करने की मांग की है। वहीं आढ़तियों ने सरकार पर मंडियों को खत्म करने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी हालत में आढ़ती मंडियों को खत्म नहीं होने देंगे और अपनी मांगों को लेकर लगातार विरोध जताते रहेंगे। जुलाना की अनाज मंडी में धरना दे रहे आढ़तियों ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज प्रदेश का आढ़ती परेशान है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने गेहूं और धान पर आढ़त कम कर दी है, वहीं दूसरी फैसले जैसे नरमा, सरसों, मूंग की फसलों पर आढ़त बिल्कुल ही खत्म कर दी है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार के आदेश है कि खरीद एजेंसियां किसानों से सीधी फसल की खरीद करेगी, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इससे लाखों करोड़ों रुपए लगाकर मंडी में आढ़त का काम करने वाले आढ़तियों के साथ साथ मजदूरों, मुंशियों और ट्रक ऑपरेटर को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल सरकार से मांग करता है कि आढ़तियों की मांगों को जल्द मान ले। आढ़तियों ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द मांगे नहीं मानी तो जो भी हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन फैसला लेगी, व्यापार मंडल उनके साथ होगा। ये हरियाणा सरकार से हमारी मांग है जी, हमारी 2.5% आढ़त है 28 सालों से, उसको बढ़ाने की बजाय इतनी महंगाई बढ़ रही है, सबकी तनख्वाह बढ़ रही है, सबके व्यापारों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन हमारी 2.5% आढ़त की जगह 2% या 0% सरकार की नियत करने जा रही है। पहले 2.5 थी, अब जैसे 56 रुपये मिलने चाहिए हमारे गेहूँ को MSP पे, हमने 46 रुपये देने लग रहे हैं, वही जी रिकाल है। सरसों सीधी सरकार लेने लग रही है, उसमें आढ़त नाम की चीज़ है ही नहीं, तो हमारे व्यापार को ख़त्म करना चाह रही है सरकार, इसके सब उसमें विरोध में हम धरने पे बैठे हैं। और जो गेहूँ सैलों में बना दिए गवर्नमेंट ने, सैलों में जो गेहूँ जाता है उसकी आढ़त बिल्कुल नहीं देती, ये है जी। आज जो स्ट्राइक है, जितनी मंडियां हैं ये मार्केटिंग बोर्ड के अधीन है जी। मार्केटिंग बोर्ड का रूल है कोई भी माल बिकेगा उस पर कच्चे आढ़ती को 2.5% आढ़त मिलेगी जी। मगर जो गवर्नमेंट की खरीदे हैं इसमें बहुत कम दे रही हैं, जितनी भी MSP पे फसलें हैं वो आढ़ती के थ्रू खरीदनी चाहिए और उनका आढ़त 2.5% आढ़ती को मिलना चाहिए। मार्केट में मार्केटिंग बोर्ड द्वारा दी गई दुकानें 1-1 करोड़ रुपए में हमने पैसे लगा कर दुकानें खरीदी है, ऊपर से बनाई है, अगर इसमें आढ़ती को नहीं मिलेगी तो ये जितनी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। पुराने कानून, कृषि कानून के तहत जैसे एक बताया था भाई, प्राइवेट प्लेटफार्म बनाए जाएंगे खरीद के लिए, ये साइलो एक प्राइवेट प्लेटफार्म ही है, इसमें जो भी माल गवर्नमेंट खरीद करके डायरेक्ट जाता है उसकी कोई आढ़ती को नहीं मिल रही, इससे किसान भी परेशान है। सरसों भी जैसे भी मार्केट में आ रही है मंडियों से ही डायरेक्ट खरीद रही है, जबकि इसकी आढ़ती के थ्रू खरीदनी चाहिए, जिसकी आढ़ती को मिलनी चाहिए। इस तरह से आढ़त नहीं मिलेगी तो ये जितनी मंडियां बनी हुई हैं वो बर्बाद हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, जिससे किसान और आढ़ती का जो आपस में एक व्यवहार है, एक लेन देन का प्रक्रिया चल रही है, ईमानदारी से चल रही है, विश्वास के ऊपर चल रही है, ये विश्वास करने की एक भाषा बनाई जा रही है, आने वाले समय में इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और तो ये इसी एजिटेशन लगाया गया है कि भाई आढ़त पूरी मिले, किसान भी खुशहाल, मजदूर भी खुशहाल और आढ़ती भी खुशहाल रहेगा। अगर ये नहीं मानी गई तो आगे 5 तारीख के बाद फिर 15 जुलाई से फिर दोबारा एजिटेशन किया जाएगा मई को। और तो इसलिए ये हमारी सोच सारे हरियाणा व्यापारियों की है, बैठ के 28 तारीख को कुरुक्षेत्र में मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसले लिए गए थे, तो यही अंदर के घात कर दिया। ऐसा है, ये ऑल हरियाणा आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान पर जी 1 अप्रैल से और 5 अप्रैल तक हरियाणा की सभी मंडियों में आढ़ती धरने पर बैठेंगे, क्योंकि
देखो, एक तो जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडियों में आता है वो आढ़तियों के थ्रू बिकना चाहिए, क्योंकि सरकार ने दुकानें काटी हुई हैं, फिर आढ़तियों के थ्रू अगर वो लेंगे नहीं तो फिर ये दुकानदार क्या करेंगे, ये तो लाखों परिवार बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा मेन क्या है कि गेहूँ पे हर आइटम पे 2.5% आढ़त का प्रावधान है मार्केटिंग बोर्ड के जो रूल रेगुलेशन है, लेकिन सरकार हमारे को गेहूँ पे सिर्फ 46 रुपये प्रति क्विंटल आढ़त दे रही है, जबकि वो 56-56 रुपये आढ़त बनती है। अब ये इतनी करोड़ों रुपए की दुकान भी सरकार ने बेच दी, फिर अगर हमारे थ्रू माल ही नहीं लिया, किसानों का माल सीधा ही ले लेंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इतने मजदूर किसान आढ़ती लाखों परिवार बर्बाद हो जाएंगे और सारे बुरा हाल हो जाएगा देश में। ये उसके लिए ये आढ़तियों का जो धरना प्रदर्शन है, अगर ये सरकार मांग मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो फिर मई में दोबारा से पूरी मंडियाँ और बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगी।